क्या आपको भी बार बार होने लगी है जुकाम की शिकायत? क्या आप भी अक्सर झेल रहे हैं नाक में ब्लॉकेज की समस्या? तो हो सकता है आप साइनस की समस्या से ग्रस्त हो चुके हों। आए दिन बच्चों और बुजुर्गों को खांसी जुकाम की समस्याएं होना आम बात है। इसमें नाक बहना, नाक का बंद होना, खांसी, शरीर में दर्द, सिर दर्द और थकावट होना, आवाज या गले का बैठना और बार बार छींक आना इत्यादि सामान्य लक्षण हैं। कुछ केसेस में बुखार भी हो सकता है। कई बार ये सारे लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक हफ्ता पूरे होने तक ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये समस्या कुछ दिनों से सप्ताह में बदल जाए तो ये साइनस के कारण भी हो सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में साइनसाइटिस भी कहा जाता है। इस समस्या में व्यक्ति के नाक के आसपास और सांस की नली में सूजन शुरू हो जाती है, जिसके कारण उसे लंबे समय तक जुकाम और नाक से जुड़ी अन्य समस्याएं भी होने लगती हैं। सर्दी जुकाम बार बार होने की समस्या कुछ खास रीजंस की वजह से और भी बढ़ सकती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है या फिर कोई बीमारी लंबे समय तक चलती आ रही है तो आपको सर्दी होने की संभावना बढ़ जाती है। बीमार व्यक्ति से बार बार संपर्क आने के कारण भी ये समस्या हो सकती है, जैसे घर, ऑफिस, स्कूल या घर में ठंड से संक्रमित व्यक्ति आपके नजदीक बैठे या उठता है तो भी आपको सर्दी लग सकती है। संक्रमित व्यक्ति के तौलिए, खिलौने या फोन जैसी वस्तुओं को छूने से भी ये वायरस फैल सकता है। सर्दी के मौसम में हर उम्र के व्यक्ति को सर्दी जुकाम लगने की संभावना अधिक होती है। बढ़ती उम्र के कारण भी आपको इस समस्या से बार बार परेशान होना पड़ सकता है। अगर आप धूम्रपान के आदि हैं तो भी सर्दी का इन्फेक्शन आपको अक्सर प्रभावित कर सकता है। डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियों को भी ये समस्या बार बार होती है। शरीर में प्रोटीन की कमी होना उसका एक और कारण हो सकता है। आइए अब जानते हैं हकीम सुलेमान साहब का इस बारे में क्या कहना है। तो देखिए, जिन बच्चों को भी या बड़ों को खांसी, नज़ला, जुकाम, दमा, छींक ये रहती है, उसमें उन लोगों में इम्यूनिटी की कमी होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ज़रूरत से कम होती है। उसको बढ़ाए बगैर हम उनका इलाज नहीं कर सकते, और यूनानी में इसका इलाज है, लेकिन 5-6 महीने भी इलाज करना पड़ सकता है। यूनानी में देखिए, लिसोड़ा और उन्नाब, ऐसे 100-100 ग्राम ले लीजिए, और अलसी, लिसोड़ा, उन्नाब, अलसी, तीनों चीज़ों को 100-100 ग्राम लें, पाउडर बना लें, और इसमें 10 ग्राम पीपलें, जो आपके किचन में लंबी लंबी होती हैं, 1-2 इंच की पीपलें कहलाती हैं, इसमें ये भी मिक्स कर लें, और एक चम्मच सुबह निहार मुँह, यानी खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ खिला दिया करिए ये पाउडर, और ज़्यादा है तो रात को भी खिला दें। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको बाहर की चीज़ें, चिप्स, जो जितनी भी चीज़ें बाहर की मिलती हैं बच्चे जिनको खाते हैं, उससे परहेज कराएं, उससे भी हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। और खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं, ठंडी और खट्टी चीज़ें अगर 5-6 महीने तक ना खाएं और ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है।